झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राजनीति का हर रंग देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट कह दिया, जिसके विरोध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। नाना नाना, बात ना गुंडे की हो रही है ना हीरो की हो रही है, बात तो ईगो की हो रही है, लेकिन किसके ईगो की? देखिए मान्य, आचरण क्या सिखाइएगा स्वास्थ्य मंत्री को? आचरण सिखाइए। अरे क्या बात करेगा, अरे क्या बात करेगा, क्या बात करते हैं? बोलिए आप, बोलिए ना आप, बोलिए अपना, बोलिए क्या कर रहे हैं? सब लोग बोले, आप बोलिए, बोलिए मान्य सर। करते करते स्वास्थ्य मंत्री हो गया तो मान्य बात करता है। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या गरीब टेम्पू वाला, क्या गरीब रिक्शा वाला, क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला जब उनका प्रधानमंत्री है हो सकता है, तो क्या गरीब टेम्पो वाला जो है विधायक और सांसद और मंत्री नहीं बन सकता है? इसका मतलब है कि उन्होंने सामाजिक न्याय के गाल पे थप्पड़ मारा है, सामंतवादी व्यवस्था को लागू किया है और अडानी अंबानी के तथा कथित पुत्र होने का दावा को पुख्ता किया है। जहां इन दोनों जन प्रतिनिधियों के बीच के ईगो की, मॉनसून सत्र के तीसरे कार्य दिवस के दिन बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोई टिप्पणी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर निजी हमला कर दिया। राजनीति के माहिर खिलाड़ी सीपी सिंह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो विवादित तो था लेकिन असंसदीय नहीं था, मगर वो एक निजी टिप्पणी थी तो बात दिल को लगी भी और आपत्ति दर्ज कराई गई, हंगामा हुआ और आखिर में विधानसभा की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग से इसे स्पंज कर दिया गया। लेकिन बात आई गई वाली नहीं हुई, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दिल को ठेस लगी थी, वो अंदर से सुलग से रहे थे। आपत्ति तो उसी दिन दर्ज करा दी थी लेकिन विरोध जताया मॉनसून सत्र के आखिरी कार्य दिवस पर। वो ऑटो चलाते हुए विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जा पहुंचे। क्या गरीब को इस लोकतंत्र में, गरीब को ये हक नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा में बैठे? ये लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री चाय बेचते हैं और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, तो गरीब टेम्पू चालक का नेता क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं बन सकता है? ये बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता जो है बहुत ही घटिया है, सामंतवादी सोच है और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूँ और मैं गरीब दलित कमजोर वर्ग आदिवासी का नेता था और नेता हूँ और इनके मन में पिछड़ा दलित आदिवासी के प्रति जो है इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने हिस्से का विरोध जताया जरूर, लेकिन बीजेपी ने उनके ऑटो चलाने पर भी सवाल उठा दिए। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कैसे कौन परमिशन दिया? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराया जाता। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हमको और आपको पकड़ लेता है लोग, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसके जमाने में 10,000 रुपया देना पड़ता है। ये माननीय मंत्री जी झारखंड और देश के ऑटो चालकों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें बात करना चाहिए ऑटो चालकों के कल्याण के बारे में। लेकिन चूंकि जिस दल से हो वो दल समन्ती पार्टी है, इसलिए समाज के हमारा वो ऑटो चालक तबका है, उस ऑटो चालक तबके को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। बन्ना गुप्ता जी पढ़े लिखे हैं, मंत्री हैं, एक मंत्री होकर के इतना गैर वाजिब बयान देते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ नमाज घर लिखा हुआ है। ये तो बन्ना गुप्ता जी का मतलब सोच समझ और राजनीतिक परिपक्वता समझ में आता है। आज वो ऑटो से यहाँ आए थे, उसका बगैर ड्राइवरी लाइसेंस के, बगैर परमिशन के एक मंत्री उस पर बैठ करके विधानसभा में इंटर करता है, यह प्रोटोकॉल का भी वायलेशन है और यह कानूनी विधान का भी वायलेशन है।
बहरहाल नमाज कक्ष से शुरू हुआ बवाल चाय वाले और ऑटो वाले तक जा पहुंचा और इन सब के बीच जनता इंतजार करती रही कि कौन है सदन में उनकी आवाज को उठाने वाला। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।